पिलानी से इस वक्त की बड़ी खबर। घर जवाई जीजा ने ससुराल की संपत्ति के लालच में की साले की हत्या। जीजा ने साले की गला दबाकर की थी साले की हत्या। इलाज के बहाने साले को ले गया था हरियाणा। एनसीआर नहर के मुंडाखेड़ा पंपहेड के पास मिली थी लाश। पुलिस ने आरोपी जीजा जगबीर सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी जीजा सीआरपीएफ दिल्ली में है तैनात। पिलानी थाना इलाके के बिगोदना गांव में रिश्तों को तार तार करने वाले जीजा को पिलानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घर जमाई रहे जीजा ने ससुराल की संपत्ति के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर अपने साले की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जीजा जगबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिगोदना की विमला देवी ने पिलानी थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा दामाद जगबीर सिंह सीआरपीएफ दिल्ली में नौकरी करता है, जिसकी घर जमाई रखा गया है। मेरा लड़का अनिल कुमार मंदबुद्धि है, जिसको मेरा जवाई जगबीर सिंह उसका साथी मनोज गाड़ी में बैठाकर इलाज के बहाने ले गए थे और वापस नहीं लौटने पर अनिल कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस को तलाशी के दौरान हरियाणा के बादली थाना इलाके से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश नहर में मिली है। इसके बाद परिजनों को ले जाकर पिलानी पुलिस द्वारा तस्दीक करवाई गई। परिजनों ने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की। इसके बाद दामाद जगबीर को उसके साथी मनोज पर हत्या को लेकर शक जताया गया। पिलानी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जगबीर सिंह को नहर छावनी रास्ते से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी जगबीर सिंह ने अपने साथी मनोज के साथ साले की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी जगबीर सिंह से पूछताछ कर रही है। वही मामले में मनोज कुमार की गिरफ्तारी को लेकर टीम लगातार दबिशें दे रही है। थाना पिलानी के बिगोदना गांव की विमला देवी एक विधवा औरत है, उसने थाना पर एक रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र अनिल है, 7 अगस्त को रिपोर्ट दी कि जो लापता है और अपने दामाद जो उसको घर जमाई भी है जगबीर सिंह, वो उसके साथ गया था। पुलिस ने तलाश की, काफ़ी प्रयास किए तलाश के। इस दौरान पुलिस को टेक्निकल साइड से और इनपुट मिला और जानकारी की, तो ये जानकारी में आया कि मृतक अनिल कुमार जो जगबीर सिंह का साला है, उसको साले मतलब दामाद ने ही मतलब इसके बहनों ने ही इसको मर्डर कर दिया, इसका अपने साथी मनोज के साथ मिलकर के। अपनी जो ससुर की जो प्रॉपर्टी है उसको हत्याने के लिए अपने साले का इसने मर्डर कर दिया। इससे उन्होंने उसको नहर में गड़ा घोंट करके उसको 3 जुलाई को नहर में, वहाँ ये थाना है अपने बादली मुंडा खेड़ा पंप पर उसकी लाश मिली थी और वहाँ की पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया था और मृत दर्ज की थी। जब पुलिस की हमारी पुलिस की जानकारी में आई तो इन लोगों ने वहाँ जाकर के उसके पहचान कराई गई, तो उसकी पेंट थी काली पेंट, उसको उसकी मदर ने पहचाना, उसके कान में एक छेद था उसको पहचाना। अभी उसके डीएनए टेस्ट करा करके हम उसकी इस्टेब्लिश करेंगे। और दूसरा इसमें जो इसके साथी है मनोज, उसको भी एक गिरफ्तार करना है, बाकी है उसको भी करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी एक लालच में अपने रिश्तों का घड़ा घोंटा है इसने, तो बड़ा ही जघन्य कृत्य किया है। विश्वास खत्म, इसने अपने परिवार का विश्वास खत्म कर दिया है। इसकी पत्नी और इसकी सास ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।